हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो मेरा मेडिसिन चल रहा है, जो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर बत्रा से हेयर का, क्योंकि मैं इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैं घर चला गया था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मुझे डेंगू हो गया था, और इस वजह से मैं बना नहीं पा रहा था। और बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर बत्रा से, उसका क्या हुआ, आपका हेयर में कितना बदलाव आया है, मतलब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं आज उसके बारे में बात करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं अभी भी ट्रीटमेंट ले रहा हूं और ये मेरा तीसरा महीना है, तो 3 महीने हो चुके हैं और मैं एक हफ्ते बाद फिर वापस से मेरा जो अपॉइंटमेंट है वो मैं लूंगा और फिर मैं जाऊंगा दिखाने के लिए 3 महीने के बाद। तो एक हफ्ते का दवा बचा है सिर्फ, तो हर महीने जाता हूँ मैं और हर महीने दवा लेता हूँ, तो अभी 3 महीने हो जाएगा। तो उन्होंने बोला था कि 3 महीने में स्टेबिलिटी जो है वो आ जाएगी आपके बालों के ऊपर। सो फिर से वापस मैं अगले हफ्ते जाऊंगा, संडे को या उसके बीच में अगर टाइम मिलेगा तो, नहीं तो संडे को ही मोस्टली जाता हूँ, क्योंकि संडे को ही छुट्टी रहता है। और अभी मैं फिर से जाऊंगा अगले संडे को। तो मैं आपको बता दूं कि 3 महीना तो हो चुका है, बट जो भी मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ उसमें जो मेडिसिन है, जैसे कि ये वाली मेडिसिन है और सीरम है, शैम्पू है, कंडीशनर है, ये सारी चीज़ें यूज कर रहा हूँ। और खाने में जो है न्यूट्रिशन जो मिला था लास्ट टाइम, मैंने वो लिया था, एक ही महीने लिया था और एक ही पैकेट लिया था, उसके बाद से मैं नहीं लिया, तो मैं वो भी अभी नेक्स्ट टाइम लूंगा। पिछले 1 महीने से मैं न्यूट्रिशन तो नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ मेडिसिन ले रहा हूँ और सीरम वगैरह जो भी है शैम्पू वो लगा रहा हूँ। तो दोस्तों, रही बात बाल की, कि बाल में कितना बदलाव आया है, मेरे बाल में स्टेबिलिटी आई है कि नहीं आई है, तो मैं आपको बता दूं कि बाल में जो प्रॉब्लम थी, गिरने की समस्या, वो तो मतलब कि ठीक थी और ठीक है मैं ये बोलूंगा, बट मैं आपको बता दूं एक चीज और है कि मतलब थोड़ा कम हो गया था बाल गिरना, बाल नहीं गिरते ऐसे ऐसे, अगर मैं बाल करता था, हाथ लगाता था बाल में, तो बाल नहीं आते थे। बट अभी क्या है, जब से शायद ये भी रीजन हो सकता है कि मेरे पिछले 15 दिन से बाल थोड़ा सा गिर रहे हैं, ज़्यादा गिर रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ था, मेरा जो डेंगू हो गया था ना, सो मुझे लगता है उसकी वजह से शायद गिर रहे हैं बाल। अभी डॉक्टर से जब मिलूंगा अगले हफ्ते तो मैं बताऊंगा कि बाल जो पहले कम गिर रहे थे, जो धीरे धीरे कम गिर रहे थे, अभी अचानक से एकदम से ज़्यादा गिर रहा है, तो मैं नहा रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा बाल आ रहे हैं, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि दवा तो काम कर ही रहा है, बट मुझे लगता है जो बीच में डेंगू हो गया था मुझे, उसके वजह से बाल एकदम से गिरना चालू हो गया है। सो अभी देखते हैं, अभी शायद मुझे लगता है कहीं 15 दिन के बाद फिर से वापस बाल कम हो जाए गिरना, क्योंकि जो ये पीरियड है, एक जो तबीयत खराब हो गया था तो अभी ठीक हो गया है, तो शायद उस वजह से गिर रहा है, बट देखते हैं, डॉक्टर से मैं बताऊंगा ऐसा ऐसा है, बाकी तो ठीक है। और दवा तो मैं कंटिन्यू ले ही रहा हूँ और कंटिन्यू लूंगा। उन्होंने बोला कि 1 साल का आपका ट्रीटमेंट चलेगा, बट उन्होंने बोला कि 3 से 4 महीना में स्टेबिलिटी आ जाती है बालों में, बाल गिरना कम हो जाता है और वहाँ से फिर धीरे 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 जो है मतलब कि काफ़ी चेंजेस आते हैं, बाल गिरना कम हो जाएगा और धीरे धीरे रुकेगा, ऐसा बोला था उन्होंने। तो मुझे तो लग रहा था बाल गिरना कम हो गया था, बट बीच में एकदम से गिरना चालू हो गया, तो मुझे ये फीलिंग तो आ रही थी, मैं चेक भी कर रहा था, क्योंकि शैम्पू वैम्पू कर रहा था तो मैं बाल चेक करता था हाथ में, तो बाल धीरे धीरे बहुत कम आ गए थे, मतलब बाल हाथ में दिखते थे, 1-2 दिखते थे, बट अचानक से गिरना शुरू हो गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो अभी देखते हैं क्या होता है आगे, अभी मैं जाऊँगा डॉक्टर से मिलूंगा, ये सारी चीज़ें बताऊँगा, बाकी न्यूट्रिशन नहीं ले रहा हूँ, न्यूट्रिशन भी लेना है। सो दोस्तों, अभी मैं बाल के ऊपर जो भी मेरा चल रहा है, अभी बीच में रुक गया था मैं, पिछले 15 दिन से मैं डाल नहीं रहा था वीडियो इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर कि मेरा क्या अपडेट है। सो अभी मैं कंटिन्यू डालूंगा इसके ऊपर, क्या जो भी चल रहा है। सो फिलहाल मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो बाल में जो मेरा अभी तक का स्टेटस है 3 महीने के ऊपर, तो 2 महीने से मेरा बाल धीरे धीरे कम होने लगा था, बट अभी क्या है कि एकदम से गिरना चालू हो गया है, जब से डेंगू हुआ है तब से चालू हो गया है। और एक चीज़ और है कि बाल गिरने का रीजन एक तो डेंगू और दूसरा शायद पानी में बदलाव आया हो, शायद उस वजह से, क्योंकि मैं बीच में गांव चला गया था, जैसे कि आप लोगों ने ब्लॉग में देखा हुआ है, तो शायद पानी वानी ऐसा कुछ होता है पता नहीं मुझे, और पानी हो गया या फिर डेंगू हो गया, इस वजह से गिरना चालू हो गया, क्योंकि बाल जो है जैसे मैं शैम्पू करता था ना तो ऐसे बाल देखता था मैं, सो 2-4 दिखते थे, अभी क्या है कि ज़्यादा दिखते हैं, मतलब ऐसे अगर मैं शैम्पू लगाने के बाद देखता हूँ अरे इतने सारे बाल आ गए, तो पता नहीं क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा। तो अभी अगले हफ्ते मैं जाने वाला हूँ और डॉक्टर से बताऊंगा कि ये सब चीज़ें हो रही है मेरे साथ, अभी मैं क्या करूँ, क्या इसका रीजन क्या है, सो देखते हैं और मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। और दोस्तों, कुछ लोगों का कमेंट आया था कि आप नंबर दे दो, कैसे मैं जाऊँ डॉक्टर के पास, तो मैं आपको बता दूँ कि आप जब नेट पर सर्च करोगे डॉक्टर बत्रा लिखोगे, डॉक्टर बत्रा नियर मी ऐसा कुछ करके लिखोगे, तो जो आपके आसपास में डॉक्टर बत्रा का क्लिनिक होगा
वहां पे जाके आप दिखा सकते हो, ट्रीटमेंट ले सकते हो। और आपको डायरेक्ट नहीं जाना है, आप डायरेक्ट कैसे जाओगे, पहले आप सर्च करो, वहां पे एक नंबर आएगा, कस्टमर केयर का नंबर आएगा, और वहां पे जब कॉल करोगे तो वहां से अपॉइंटमेंट, कस्टमर केयर का कॉल करोगे तो अपॉइंटमेंट मिलेगा आपको। तो अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद फिर आप जाओगे कंसल्टेंट से मिलोगे क्लिनिक में, और फिर कंसल्टेंट आपको डॉक्टर से मिलवाएगा। सो ये प्रोसेस है। सो दोस्तों, कुछ लोगों का कमेंट आया था कि काफ़ी महंगा है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो मैं बता दूं कि एक्सपेंसिव तो है, महंगा तो है, बट क्या कर सकते हैं, बालों के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सो मेरा भी जो ट्रीटमेंट है एक साल का, जो पैकेज है वो 21,000 का है। तो मैं भी सोचा था कि लूँ या नहीं लूँ, तो काफ़ी, क्योंकि काफ़ी महंगा है, तो मैंने सोचा कि लूँ या नहीं लूँ, तो मैंने सोचा कि चलो ले ही लेते हैं। और मैंने भी कैश या एक बार में पेमेंट नहीं किया था, मैंने भी क्रेडिट कार्ड पे ही लिया था। सो उस हिसाब से मेरा भी चल रहा है, मैंने भी एक बार में नहीं दिया। तो ये था जो कि मैंने बता दिया आपको, जो डॉक्टर बत्रा के ट्रीटमेंट के बारे में, कि मेरा जो हेयर का भी स्टेटस है क्या है। सो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि काफ़ी महंगा था, तो मैंने भी इस पर काफ़ी मतलब सोचा, और फिर सोचा कि चलो ले ही लेते हैं और इसको ईएमआई में कर देते हैं। तो मैंने अपना क्रेडिट कार्ड जो है उसको यूज किया, और मैं ईएमआई में पे करता हूँ हर महीने। सो ये था दोस्तों, आप लोगों का कमेंट का जवाब मैंने दे दिया है, और बस जाना है गूगल पे, लिखना है डॉक्टर बत्रा, और उसके बाद उसमें एक नंबर आएगा, तो नंबर पे कॉल करो, टोल फ्री नंबर है, और जैसे ही कॉल करोगे तो कोई उधर से उठाएगा और आपको बोल, आपको नाम वाम जो भी पूछेंगे वो लोग, और फिर आपको बताना है कि आप कहाँ पे रहते हो, आपके नियर बाई में जो आसपास में जो क्लिनिक है वो कौन सा है और कौन सा जगह है। तो वो लोग सर्च करेंगे वहीं पे और सर्च करके बताएंगे कि आपके पास में ये क्लिनिक है, यहाँ पे जा सकते हो। तो उस हिसाब से आपको काफ़ी मतलब कि काफ़ी ईजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, तो आप ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पैसा की बात है तो पैसा आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो।